क्यों हमारे पेड़ पैसे पे पेड़ पे पैसे उठते हाँ वही मतलब मैं अभी रिटायर हो सकती हूँ, आपने इतनी बड़ी बात कह दी सही सही सॉरी ये बार मुन्नी नहीं है मुन्ना है, आई थिंक और भी ज्यादा मजेदार होगा। मुन्ना बदनाम हो रहा है इस बार? हाँ हो रहा है। आप हैं उसमें शामिल? मुन्ना है तो फिर मैं कहाँ से हूँ? मुन्नी चेंज हो गई इस बार? मुन्नी तो मैं थी नहीं कभी पूछा यार कोई तो बहुत ही नई चीजें आएंगी और बहुत ही धमाकेदार, बट डोंट वरी दबंग दबंग ही रहेगा और बहुत ही मजेदार रहेगा। ये तो आप सोलो बनो ना, इंटरव्यू कर लो आप, बेचारे इतने सारे खड़े यहाँ पे। हाँ आप बोलिए ना। Thank God it's Friday, yeah. Mungra, yeah. So still there's any other song that you'd like to be a part of? There's a lot, yeah, actually, but right now nothing is coming to my mind. Let me think. By the end of the interview, I'll give you an answer. Yeah. मतलब मैं अभी retire हो सकती हूँ, आपने इतनी बड़ी बात कह दी. But I hope so. कोशिश तो यही है कि हम अच्छा काम करें एंड लोग जितने लोग देखते हैं हमारे काम को वो उसे अप्रिशिएट करें, और मैं अपने अपने काम के लिए ही जाना चाहती हूँ। तो आई थिंक इट विल बी ग्रेट अगर मैं उस लीग में कभी आ जाऊँ। बहुत जी खानदानी शफा खाना चौंका देती है आप लोगों को, है? अच्छी बात है ना, चौंकना चाहिए। कब कर रही थी ये भी नहीं पता चला। ये मैं कर रही थी बस, कहते ना काम चुपचाप किया करो और बाद में बस एक धमाके के साथ आओ, एंड आई थिंक ये फिल्म के साथ भी यही हुआ। बट एक्चुअली ये हुआ क्योंकि हमारे फिल्म का नाम नहीं था हमारे पास, वो अभी अभी तय हुआ है, और ये जो परफेक्ट नाम मिला है हमें खानदानी शफा खाना, जब आप ट्रेलर देखेंगे फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये एप्ट टाइटल है हमारी फिल्म। और ये टॉपिक थोड़ा मतलब अभी तक तो लोगों के मन में कौतूहल और मतलब तरह तरह की मन में बातें आ रही हैं। जी यही बातों को क्लियर करने हम ये फिल्म लेकर आए हैं। कंटेंट ओरिएंटेड और बिल्कुल बिल्कुल, और एक बहुत ही रेलेवेंट सब्जेक्ट है आज के टाइम पे, एंड आई होप कि थोड़ी बहुत लोग फिल्म, आई डोंट नो फिल्में इतना ज़्यादा बदलाव ला सकती है नहीं, बट आई थिंक एटलीस्ट लोगों को सोचने पर मजबूर तो कर देती हैं, एंड आई होप कि आ फिल्म आल्सो डज दैट। ये तो आप सोलो बनो ना, इंटरव्यू कर लो आप, बेचारे इतने सारे खड़े यहाँ पे। हाँ जी, तो लोग कहते हैं कि सेलिब्रिटीज से उसको कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि उनको तो बजट सस्ता हो या कुछ महंगी हो उनको फर्क नहीं पड़ता। क्यों हमारे पेड़ पैसे पे पेड़ पे पैसे उठते? हाँ वही, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सही सही सॉरी। बदनाम हो रहा है इस बार? हाँ हो रहा है। आप हैं उसमें शामिल? मुन्ना है तो फिर मैं कहाँ से हूँ? मुन्नी चेंज हो गई इस बार? मुन्नी तो मैं थी नहीं कभी। पूछा यार कोई। ओके सोनाक्षी, यू नो जब हम रिमिक्स और रेट्रो की बात करते हैं तो अभी तो उसका जमाना ही है, ट्रेंड है, चाहे वो लुक हो या फिल्में हो, रिमिक्स वगैरह सब, लेकिन कोई एक ऐसी चीज जो आप चाहती है रेट्रो के टाइम की अब वापस रिटर्न आए? मुझे रेट्रो म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, एंड आई थिंक एक्चुअली वो चीज़ें भी आ गई है वापस। हम बहुत सारे गानों का रीमेक भी कर रहे हैं, एक रीपैकेज करके रीमिक्स करके आज के जनरेशन को सुना रहे हैं, तो वो आई थिंक आई रियली लाइक दैट ट्रेंड, और मैं खुश हूँ कि कुछ कुछ गाने जो शायद आज की जनरेशन ने नहीं सुना हो वो टाइम के वो वापस लौट कर आ रहे हैं। सो आई लाइक दिस ट्रेंड दैट इज़ रिटर्न। लास्ट क्वेश्चन गाइस, वेरी वेरी नहीं, वो स्पेकुलेशन जारी रहेगा, बट ऑफकोर्स एक अलग स्टोरी है, अलग कैरेक्टर्स भी आएंगे इस फिल्म में। हम आपको बार बार वही नहीं देना चाहते जो आप पहले देख चुके हैं, तो बहुत ही नई चीजें आएंगी और बहुत ही धमाकेदार, बट डोंट वरी दबंग दबंग ही रहेगा और बहुत ही मजेदार रहेगा। हाँ जी
टॉकिंग अबाउट द आइटम सॉन्ग्स इन द दबंग सॉन्ग्स तो बहुत ही फेमस रहे हैं, चाहे वो पार्ट वन हो या पार्ट टू हो. इस दबंग थ्री के आइटम सॉन्ग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस अंदाज में आने वाला है दबंग थ्री का? आई थिंक अगेन इट विल बी वेरी 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 फन, बिकॉज वो एक वो एलिमेंट हो था ही हमारे फिल्मों में, दबंग के सीरीज़ में, जहाँ पर एक आर्टिस्ट आते हैं और यू नो दे डू द सॉन्ग फॉर द फिल्म. सो आई थिंक यहाँ भी इट बी लॉट ऑफ फन. और क्योंकि ये बार मुन्नी नहीं है, मुन्ना है, आई थिंक और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा.